अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 8.3 की इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोगों को पता ही होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, देन वी कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल ABC, right angle at B, right angle at B. Suppose I will take angle A. If I will take angle A, then we can find out the value of sine of A. Correct? Accordingly, cos of A and tan of A. Now, sine किसके बराबर होता है? Perpendicular divided by hypotenuse. That will be equal to perpendicular. इस हिसाब से कौन सा आएगा? ये angle है. इसके अपोजिट में ये वाला साइड है, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो परपेंडिकुलर आएगा BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू AC। उसके बाद कॉस का वैल्यू होता है दैट इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। करेक्ट, उसके बाद आता है टैन, राइट? सो टैन का वैल्यू क्या है, किसके बराबर होता है? दैट इज परपेंडिकुलर ओवर base, is perpendicular over base, perpendicular is BC and base is AB. उसके बाद आएगा cosec. cosec किसका inverse होता है? sin का, that is इसका inverse. इसका inverse क्या बनेगा? AC divided by BC. फिर आता है sec. sec किसका inverse होता है? cos का, that is AC divided by AB. इसका inverse. उसके बाद होता है cot. cot of A, cot tan का inverse होता है, that is AB divided by BC. तो ये 6 trigonometric ratios हमने निकाल लिए, right? Now, अब आप लोगों को बेटा पता ही है, ये याद रखने फिलहाल, अब आप लोगों को बेटा पता ही है, angle A plus angle B plus angle C किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर, right? Sum of angles of a triangle is 180. Angle A, यहाँ पे रखो एंगल सी, बाय को शिफ्ट करो, 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। तो एंगल सी का वैल्यू क्या आएगा? 180 माइनस एंगल ए, एंगल ए पता नहीं है, माइनस एंगल बी। एंगल बी का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। सो एंगल सी का वैल्यू किसके बराबर आएगा? 180 माइनस 90, दैट इज कॉल्ड 90 माइनस एंगल ए। सो सिंपली मैं इसे लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए। तो ये हमारी काम आएगा। तो सी का वैल्यू क्या आया? 90 माइनस ए। ना यही ट्राइंगल हम लेते हैं, लेकिन अब हम लेंगे सी, एंगल सी। अभी तक हमने निकाला था साइन ए का वैल्यू, अब हम निकालेंगे साइन सी का वैल्यू, साइन सी का वैल्यू। उसके बाद निकालेंगे बेटा हम कॉस सी का वैल्यू, टैन कॉसेक सेकेंड कॉट, साइन सी का वैल्यू आएगा। तो ये बेटा ये एंगल है, परपेंडिकुलर ये बनेगा, राइट? परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये बनेगी, क्योंकि एंगल ये है गिवन। परपेंडिकुलर होता है द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। गिवन एंगल हमने ये लिया, तो परपेंडिकुलर ये वाला साइड बनेगा। तो साइन सी का वैल्यू क्या आएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा साइड है? AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। करेक्ट, तो साइन सी, सी के बदले क्या हम लिखेंगे? सी का वैल्यू किसके बराबर है? 90 माइनस ए। तो सी के बदले मैं लिखूंगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय AC। तो बेटा साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय AC। इन सारे एंगल्स में कहीं पे भी AB डिवाइड बाय AC वैल्यू आया? यस, यहां पे है ये वाला वैल्यू, AB डिवाइड बाय AC। तो AB डिवाइड बाय AC, इसके बदले हम क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए। तो बेटा ये पहली फॉर्मूला हमारे पास आई, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा या साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, राइट? उसके बाद निकाला हमने साइन सी का वैल्यू, अब हम निकालेंगे कॉस सी का वैल्यू। ये एंगल है गिवन है, तो कॉस किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या आएगी? BC डिवाइड बाई AC, राइट? कॉस ऑफ सी, सी के बदले हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस ए
is equal to BC divided by AC. यहाँ पे भी कहीं पे BC divided by AC है. BC divided by AC किसके बराबर आया? Sine of A. Sine of A. तो ये दूसरी फॉर्मूला है. तो आइए दूसरी फॉर्मूला है cos of 90 minus A is equal to sin A. sin भी निकाला, cos भी निकाला, अब उसके बाद क्या निकालेंगे? tan of C. tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और बेस. परपेंडिकुलर क्या है? AB डिवाइड बाय बेस क्या है? BC. tan of C. C के बदले हम क्या वैल्यू लिखेंगे? 90 minus A is equal to AB divided by BC. यहाँ पे कहीं पे भी AB divided by BC है. AB divided by BC. AB divided by BC. तो AB divided by BC के बदले क्या लिखेंगे? Cot of A. It's cot of A. तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है. Tan of 90 minus A is equal to cot of A. फिर मैं बताऊंगा इनको याद कैसे रखना है. करेक्ट, पहले इनको फाइंड आउट कर लेते हैं. तो साइन कॉस एंड टैन निकाला, अब क्या निकालेंगे? cosec A. इस cosec of A. सॉरी cosec ऑफ सी. cosec ऑफ सी निकालेंगे. तो cosec ऑफ सी, cosec किसके बराबर होता है? साइन का इनवर्स. साइन किसके बराबर आया? ए बी डिवाइड बाई ए सी. cosec किसका इनवर्स होता है? करेक्ट. तो क्या आएगा? ए सी डिवाइड बाई ए बी. करेक्ट, हाइपोटन्यूज और परपेंडिकुलर. तो cosec ऐसे रखेंगे. सी का वैल्यू किसके बराबर है? 90 माइनस ए. तो C के बदले लिखेंगे 90 माइनस ए इज इक्वल AC डिवाइड बाई AB. AC डिवाइड बाई AB, कहीं पे भी AC डिवाइड बाई AB है इनमें से. AC डिवाइड बाई AB कौन सा वैल्यू आया? sec A. तो AC डिवाइड बाई AB के बदले लिखेंगे sec ऑफ A. ये चौथी फॉर्मूला है. उसके बाद sec निकालेंगे, sec ऑफ C. अब हमें निकालना है sec C का वैल्यू. sec कॉस किसके बराबर था? BC डिवाइड बाई AC. तो sec इसका इनवर्स आएगा. कॉस था BC डिवाइड बाई AB, इसका उल्टा क्या आएगा? AC डिवाइड बाई BC. राइट, तो sec ऑफ C, C के बदले क्या लिखेंगे? अगेन 90 माइनस A इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई BC. AC डिवाइड बाई BC. AC डिवाइड बाई BC. AC डिवाइड बाई BC. कोई ऐसा वैल्यू है यहाँ पे? AC डिवाइड बाई BC. तो यहाँ पे AC डिवाइड बाई BC वैल्यू कौन सा आया? cosec ऑफ A. तो AC डिवाइड बाई BC इसके बदले क्या लिखेंगे? cosec ऑफ A. तो ये फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास आ गई. उसके बाद आएगा cot. cot ऑफ A, cot ऑफ C. राइट, cot ऑफ C. cot ऑफ C. cot किसका इनवर्स होता है? tan का इनवर्स. tan C किसके बराबर था? AB डिवाइड बाई BC. तो इसका इनवर्स क्या बनेगा? BC. तो इसका इनवर्स बनेगा BC डिवाइड बाई AB. राइट, cot ऑफ C. cot ऑफ C. C के बदले क्या लिखेंगे? 90 माइनस A इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई AB. इनमें से कोई BC डिवाइड बाई AB है? BC डिवाइड बाई AB. वो कौन सा वैल्यू है? tan ऑफ A. तो इसके बदले क्या लिखेंगे? tan ऑफ A. ये फॉर्मूला नंबर 6 हमारे पास बन गई. अब हमारे पास बहुत सारी फॉर्मूला बन गई, छह फॉर्मूला हमारी थर्ड एक्सरसाइज में यूज होगी. पहली फॉर्मूला है साइन ऑफ 90 माइनस ए. ए की जगह हम लिखेंगे अब थीटा, यानी कि कोई भी एंगल अगर क्यों होगा जनरल के लिए. ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा कॉस ऑफ थीटा. करेक्ट, उसके बाद कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा वो बनेगा सेक थीटा. उसके बाद आएगा टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, वो आएगा कॉट ऑफ थीटा. राइट, तो ये तीन फॉर्मूला याद रखना है. इनका इनवर्स ये देखो बेटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. अभी तक था साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो आएगा साइन थीटा. इनका इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा इज सॉरी साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. राइट, तो हो गई दो फॉर्मूला, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. अब यहाँ पे आ जाओ, इस टैन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर आता है? कॉट थीटा. तो मैं लिखूंगा कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, तो वो आएगा टैन थीटा. करेक्ट, हो गई चार फॉर्मूला. अब नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा. कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस ए किसके बराबर आया? सेक ए. तो कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा? सेक ऑफ थीटा. राइट, तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा
sec of 90 minus theta. Sec of 90 minus theta किसके बराबर आया? Cosec of theta. तो बेटा ये छह फॉर्मूला आप लोगों को याद रखनी है. That is sin 90 minus theta is cos theta. Cos 90 minus theta is sin theta. Tan 90 minus theta is cot theta. Cot 90 minus theta is tan theta. Cosec 90 minus theta is sec theta. Sec 90 minus theta is cosec theta. अब हम कोई एक example लेते हैं, ठीक है ना? Suppose मेरे पास है question. Suppose question है मेरे पास. Like मैं लिखूंगा यहाँ पे. Suppose हम question लेते हैं बेटा. Sin of 18 degree divided by cos of 72 degree. Right? इसको सॉल्व करना है. ये छह फॉर्मूलाज यूज करनी है. देखो बेटा इसका सोल्यूशन क्या आएगा. साइन ऑफ इस 18, ये जो 18 डिग्री है ना, ये हमारे पास एंगल है इस टाइम, दैट इज थीटा. 18 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 72, बिकॉज व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 72 फ्रॉम 90, आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 2 दैट रिमेन्स 8 एंड 1. 18 आया, यानी कि जब मैं 90 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 72, तो वहां पे क्या आएगा 18 डिवाइड बाय, बस इस 18 को मैंने चेंज किया, डिवाइड बाय कॉस ऑफ 72, इसको ऐसे ही रहने दो. करेक्ट. नाउ अब आप लोगों को पता है बेटा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर आता है, कॉस ऑफ थीटा. करेक्ट. तो यहां पे क्या है, साइन ऑफ 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 यही है साइन ऑफ 90 माइनस 72. साइन की जगह साइन ही है, 90 की जगह 90 है, माइनस एज इट इज, लेकिन इस थीटा के बदले क्या आया 72. तो बेटा इसको मुझे लिखना है कॉस ऑफ थीटा. थीटा के बदले अब क्या आएगा, इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट वी हैव ऑन दिस 72. करेक्ट. तो बेटा फिर मैं इस स्टेप को ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 माइनस 72, साइन ऑफ 90 माइनस 72 ये किसके बराबर आया, कॉस ऑफ 72. इस कॉस ऑफ 72 डिवाइड बाय, और डिवाइड क्या है, कॉस ऑफ 72, कॉस 72 कॉस 72 कैंसिल आउट, वहां पे आंसर क्या आया 1. तो ऐसे इन फॉर्मूलों को हम यूज कर सकते हैं और इनसे ये क्वेश्चन, ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सिक्स फॉर्मूलाज. अगेन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 minus theta is cot theta, cot 90 minus theta is tan theta, cosec 90 minus theta is sec theta, and sec 90 minus theta is cosec theta.